सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। कुछ ज़ाती मसरूफियात की बिना पर गैर हाजिर रहा, लेकिन इस गैर हाजिरी के अंदर साथी एंकर मुताहिर जलीस खान ने और डायरेक्टर ने और प्रोड्यूसर ने बखूबी साथ दिया और बखूबी इस प्रोग्राम को जिस तरह से किया जाना चाहिए था उस तरीके से ये फ़र्ज़ अदा किया जाता रहा। बहरहाल आज बात की जाएगी सबसे पहले लियारी में गिरने वाली उस मखदूश इमारत के हवाले से जिसमें से अब तक जो मलबे तले जो लोग दबे हुए थे 22 लोगों की हलाकत सामने आ रही है और जहां कुएं हैं लाशें तो निकाली जा रही हैं, लेकिन कब तक ये बिल्डिंग्स गिरती चली जाएंगी। SBCA ने अभी एक इंतबाह जारी किया है, 46 इमारतें खतरनाक करार दे दी गई हैं और अभी ये जो लिस्ट जारी की गई है अब इन इमारतों को खाली कराने का काम है। पहले भी किया जाता रहा, मुझे याद है गुज़श्ता साल प्रोग्राम किया था मैंने, बारिशें हो रही थी उसके बाद भी कमिश्नर कराची ने इस पर एक्शन लिया था, तमाम चीजें सामने आई थी, लेकिन वो इमारतें खाली नहीं कराई जाती हैं। एक के बाद एक सानहा बर्पा होता रहता है और इमारतें गिरती चली जाती हैं और लोग मलबे तले दबते रहते हैं, तो इस पर कौन कार्रवाई करेगा। सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन ये जो मामला हुआ इतवार के रोज और एक एक दिन गुजरता चला जा रहा है और लाशें निकाली जा रही हैं। स्टार्टिंग में तो ये बातें सामने आ रही थी कि मलबे तले फोन किया जा रहा था, लोग जो दबे हुए थे वो फोन कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें मलबे से बाहर निकाला जाए। अभी तक ये चीजें सामने आई हैं। बहरहाल इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डायरेक्टर हैं SBCA के अली मेहदी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अली साहब, जानना चाहूंगा SBCA फिर एक इंतबाह जारी कर चुका है, तकरीबन 46 इमारतें खतरनाक करार दे दी गई हैं और ये इमारतें मखदूश इमारतें 10 से 25 साल पुरानी इमारतें की बताई जा रही हैं। सर ये कब तक कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली जाएंगी? कराची भर में जो इमारतें हैं इनको जो इस वक्त खतरनाक हद तक जो है वो मखदूश हो चुकी हैं, कैसे खाली कराया जाएगा? क्या इस वक्त स्ट्रेटेजी है SBCA के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये इमारतें जितनी भी हैं कराची के अंदर, हमने 422 से ज़्यादा इमारतें डेंजरस करार दी हैं। उसमें दो हिस्से होते हैं, उनमें एक ये है कि वो इमारतें जो इंतहाई मखदूश हैं जिनको फौरी तौर पर डिमोलिश करना है, जो डिमोलिश की भी जा रही हैं, जैसे जैसे ये इमारतें खाली होकर हमें मिलती हैं हम उसको तोड़ते जाते हैं, गिराते जाते हैं। दूसरी वो इमारतें हैं जिनके अंदर मेजर रिपेयरिंग होती है, वो लोग उसको चंद साल पहले जब हम उसको डिक्लेयर करते हैं कि उस पर आप हैवी रिपेयरिंग करा लें, मगर अवाम नाज जो है उसकी रिपेयरिंग नहीं करवाती है। और दूसरी बात यह है, सबसे अहम बात यह हो रही है इस वक्त कि बहुत बड़ा एक नंबर है जो इमारतें मखदूश हैं, उन मखदूश इमारतों को खाली करा के और उनको तोड़ना एक बहुत बड़ा मसला है और लामाया फिक्रिया है। अब क्योंकि गवर्नमेंट भी, सिंध गवर्नमेंट इंशाल्लाह इसमें ले रही है कि इनको कोई अल्टरनेट इंतजाम करने के बाद। नहीं अली साहब, एक साल का वक्त तो हो चुका है मुझे ये इस इमारतों के मामले पर, मखदूश इमारतों के मामले पर प्रोग्राम करते हुए, अभी तक खाली नहीं कराएगा, कोई स्ट्रेटेजी क्या इस वक्त सोचा है? जी देखें, खाली कराना इन इमारतों के लिए कहना बहुत आसान है, मगर जो हजरात उस इमारत में रहते हैं वो इमारत छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं से जाके कोई इसी तरह का कोई अदालती हुक्म ले आते हैं, उसके बाद हमारी ये परेशानी खड़ी हो जाती है। अब मसला ये है कि इन इमारत ये जैसे ये सब्जेक्ट इमारत है जो गिरी है इस वक्त, इसके अंदर हम 3 महीने पहले इसको मार्च के महीने में इसको खाली कराने का नोटिस दे चुके थे जी। और लोगों ने जिस वक्त इसका दोपहर के टाइम फर्स्ट अलार्म आया है, लोगों ने वकेट कर दी थी, खाली कर दी थी। उसके बाद शाम को कोई 7:30-8 बजे के करीब कुछ लोग इसके अंदर दाखिल हुए हैं और उस इमारत के अंदर से अपना सामान वगैरह निकालना शुरू किया है, मगर जब अवामुन्नास इस नज़ाकत को नहीं समझेगी जिसको हुकूमत
या मीडिया, हम आपके मीडिया के थ्रू भी आप इनको इन्फॉर्म करते रहते हैं, मगर ये हजरात जो है ये, लेकिन अली मदी साहब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, तसलसल के साथ वाकया हो रहे हैं, गुलबहार में ये वाकया हुआ, फिर अब ये वाकया हुआ। आवाज नहीं आ रही आपको? मेरी आवाज आ रही है? आवाज। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तसलसल के साथ ये वाकयात हो रहे हैं, गुलबहार में भी ये वाकया हुआ, अभी ये वाकया हुआ इतवार के रोज लियारी में, ये SBCA इमारत गिरने के बाद हरकत में क्यों आती है? नोटिस जारी कर दिया जाता है, उसके बाद एक लिस्ट बना दी जाती है इमारतों की? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये इमारतें जो आपको नजर आ रही हैं 422 के इससे जो ऊपर की इमारतें हैं, हमारा फील्ड स्टाफ और हम खुद टेक्निकल कमेटी पूरी जहाँ जहाँ गलियों में इस तरह की इमारतें हमें रिपोर्ट होती हैं, हम उसका एक्शन करता है। उसी का रिजल्ट ये है कि आपके पास कुछ नंबर इमारतों के आते हैं जिसको आप इस वक्त बोल रहे हैं कि 422 इमारतें वहाँ हैं। ये कोई होमवर्क ऑफिस में बैठे काम नहीं होता, बाजाबता साइट पे जाके हर चीज की इंस्पेक्शन की जाए। ये तो 422 इमारतें वो हो गई जो आपने बताई हैं मखदूश हैं या उनको रिपेयरिंग की जरूरत है। सर एक और बड़ा मसला है, ये 80-60 गज के ऊपर जो हाई राइज बिल्डिंग्स बना दी गई हैं, SBA इस पर क्यों खामोश है सर? ये भी तो इंसानी है, खर्चा हो सकता है इससे? जी जी जरूर हो सकता है, और SBCA इस पर खामोश नहीं है। रोज मुसलसल मुतवातर देखें, जब पूरे दुनिया लॉकडाउन में था तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जब हमें इंफॉर्मेशन मिली कि लॉकडाउन में लोगों ने काम शुरू कर दिया है, उस वक्त हमने यहाँ पे डिमोलिशन शुरू किया, और उन डिमोलिशन करने के बाद आज तक हम जहाँ लॉकडाउन में जो इमारतें तामीर हुई थी गैर कानूनी, उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात है ये तो 3 महीने के अंदर जो लॉकडाउन की सूरत हाल है, ठीक है इस वक्त कार्रवाई की जा रही, लेकिन क्या समझते हैं कि ये 3 महीने के अंदर ये पूरे कराची को डेवलप किया गया हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर, 80 गज के ऊपर, 60 गज के ऊपर? देखें जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जितनी इमारतें तामीर हुई हैं, ये पिछले 35-36 साल में ये इमारतें तामीर हुई हैं, इनके खिलाफ सारी चीजें कोर्ट के अंदर, इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन यानी कि इनके खिलाफ कोर्ट में शिकायत भी दाखिल होंगी, और इनके खिलाफ उस वक्त जब ये ग्राउंड या फर्स्ट फ्लोर पे होंगे उस वक्त के ऑफिसर्स ने इनके खिलाफ पानी बिजली गैस कनेक्शन ना देने के लेटर भी इशू किया होंगे। अच्छा, मैं एक और सवाल यहाँ पर ऐड करना चाह रहा हूँ कि ये जो इस वक्त साने हैं होते चले जा रहे हैं पै दर पे, तो ये SBCA जो इदारा बनाया गया है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, इसकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करता नजर आ रहा है। अभी स्टैट्स शेयर करना चाहेंगे, क्या फिगर्स हैं, कितनी इमारतों को जो है वो मिसमार कर दिया गया है, कितनी इमारतें इस वक्त बाकी रह गई हैं, और अब आगे आने वाले दिनों में कब तक ये इमारतें मिसमार कर दी जाएंगी? देखिए अभी मुसलसल हमारा चल, अभी हमने फिर दोबारा सारा काम जो है इस इमारत से गिरने से पहले भी हमने तकरीबन सदर टाउन के अंदर 15-20 इमारतें खाली करवा के और उनको डिमोलिश किया था, कर रहे हैं मुसलसल हमारा ये काम चलता रहता है। असल में मसला ये है कि ये इमारतें एक तरफ से कम हो रही होती हैं और दूसरी तरफ से तेजी से बढ़ रही होती हैं, क्योंकि आपको ठीक है ये जो बढ़ रही है इमारतें, इसको रोकने की जिम्मेदारी किस डिपार्टमेंट की सर? जी देखें, ये वो इमारतें हैं जो माजी करीब में बनी है, मैं नई इमारतों की बात कर रहा हूँ अली साहब। जी नई इमारतें भी मुसलसल हम तोड़ रहे हैं जो बढ़ रही है। जी जी हम तोड़ जो जितनी बनती है उससे ज्यादा हम तोड़ते हैं, मगर मैं तोड़ने वाले कम है, बनाने वाले बहुत ज्यादा। सर मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आप डायरेक्टर हैं माशाल्लाह से SBCA के, तो ये जो आप एडमिट करें इस बात को कि जितनी हम तोड़ते हैं इमारतें उससे ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो ये कौन लोग बढ़ा रहे हैं? ये क्या ये रियासत को हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं? जी जी ये वो लोग हैं जो जिन्हें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कोई तजुर्बा नहीं है, और आवाम नाज से हम मुस्तकिल ये गुजारिश करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये लोग को इन इमारतों में खरीदो फरोख्त ना करें, हमारी आवाम भी इसमें जाके खरीदो। नहीं तो ठीक है, वो खरीदो फरोख्त अपनी जगह है, लेकिन ये इमारत खड़ी कैसे हो जाती है, इमारत कैसे बन जाती है, क्या आपका डिपार्टमेंट हरकत में नहीं आता? जी जी इमारत डिपार्टमेंट अपना पूरा काम कर रहा है, इमारतों को तोड़ के इनके खिलाफ FIR दर्ज करा के इनको अरेस्ट करवा भी चुके हैं, मगर क्योंकि उसके अंदर इन इमारतों के अंदर इनको मुनाफा बहुत ज्यादा मिलता है। नहीं एक टेक्निकली समझना चाह रहा हूँ इस बात को कि एक इमारत बनने में कई महीने लग जाते हैं, क्या ये रात के अंधेरे में बना ली जाती है जब SBCA के ऑफिस बंद होते हैं? नहीं जनाब, ये दिन के रोशनी में बनाते होंगे लाजमी, और हमारे ऊपर कोई काली पट्टी नहीं बंधी रहती है, हम भी मुसलसल इनको जो है वाच कर रहे हैं और इनके ऊपर डिमोलिशन एक्शन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं इनके। अब हम अगले हफ्ते से इंशाल्लाह जो लोग
गैर कानूनी तामीरात के हिस्से होंगे। चले मैं यहाँ पर अगले हफ्ते से आप शुरू कर रहे हैं। एक बता दूं आपको जी, जो लोग खरीदेंगे जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी आप फरमाएं। मैं ये बोल रहा हूँ अगले हफ्ते से इंशाल्लाह हमने गवर्नमेंट का परमिशन ले लिया, सेक्शन 19 के तहत हम इन लोगों के खिलाफ FIR काटेंगे और जितने मिस्त्री मजदूर और जो लोग वहाँ पे जिन्होंने मकान फ्लैट खरीदा हुआ उन सबको ला के अरेस्ट करके बंद करेंगे। इसके अलावा और उनको 3 साल की सजा है और 50,000 के ऊपर जुर्माना है। ये अब हम शुरू करने जा रहे हैं आखिरी हस्ती कराची की। अब हम कराची को बचाने के लिए अब हम ये करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा आखिर में मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने बताया कि इमारतें बढ़ती चली जा रही हैं, इनकी तादाद बढ़ रही है, ये इमारतें इनके ऊपर कार्रवाई जो की जा रही है अगले हफ्ते से आप शुरू कर देंगे, अभी जो इमारतें बन रही हैं कुछ शेयर करना चाहेंगे तादाद को कि कितनी इमारतें ऐसी हैं जो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन को रोक दिया SBCA ने जाकर? जनाब आज भी आप अगर मैं आपको मेरा शेड्यूल आपका मेरे पास हो तो आप देखेंगे आज भी हमने 12 के करीब जो है डिमोलिशन की आज के दिन में। लेकिन सर मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं बहुत से इलाकों में ऐसी इमारतें हैं जो अभी भी बन रही हैं 60 गज के ऊपर 80 गज के ऊपर। जी मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ बन भी रही हैं और टूट भी रहे हैं, हम मुसलसल उसको तोड़ रहे हैं, जितना ज्यादा ज्यादा हम तोड़ सकते हैं उतना उसको डिमोलिश कर रहे हैं। डिमोलिशन करने के बाद उनके खिलाफ जब हम FIR जो अब तक नहीं हुआ था हमारे मिनिस्टर साहब ने और हमारे DG साहब ने ये सेक्शन 19 बहाल कराया जिनके इनके खिलाफ। तो ये जो गैर कानूनी इमारतें बनाते हैं कितने लोगों को अब तक जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा चुका है, सजा याफ्ता हो चुके हैं? अभी तक तो इनको माली नुकसान हो रहा था, अब इनको जब अरेस्ट करेंगे इनकी इज्जतें जब जेल में हो जाएंगी तो इनको खुद ये इमारतें बनाना छोड़ देंगे। चले कम टू द इनिशियल पॉइंट, जो 46 इमारतें बताई हैं लियारी में, इनको क्या मिसमार किया जाएगा अब या ये रिपेयरिंग के काबिल हैं? ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से इनको खाली करा के इसके अंदर एक्चुअली इनको तोड़ेंगे। लेकिन इस बात की गारंटी दी जाएगी कि कोई सानिया होने से पहले, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि कोई सानिया हो, इससे पहले खाली कर लिया जाए? तो जब किसी बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंगों में जो हम जिसको कह रहे हैं कि ये मकबूल हो चुकी है, लोग कहते हैं जैसे कोरोना में लोग कह रहे हैं कुछ नहीं है और उसके बाद लोग मर रहे हैं, उसी तरह यहाँ हमारी लियारी की आवाम अब सीरियस हो चुकी है। ये जो 46 इमारतें बताई हैं आप जाके कार्रवाई करें, हो सकता है आपका साथ दिया जाए बल्कि इस काम में। जी जी लियारी की आवाम हो, लियारी की आवाम हो या कहीं की आवाम हो, समझिए हर आदमी को जब लोग समझते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है मगर जो हलाकतें घर में शुरू होती हैं तो लोगों को पता लगता है कि कोरोना कोई बीमारी है। इसी तरह जब मखदूज इमारतों में हम मना करते हैं रहने के लिए तो लोग कहते हैं कुछ नहीं है और जब गिर के तकलीफ में आते हैं लोग शहीद होते हैं और जख्मी और इंजर्ड होते हैं तो उनको फिर उसका पता। चलो मैं एक आवाम की तरफ से भी सवाल कर देता हूँ कि ये जो इमारतें खाली कराई जाएंगी तो इनको ऑल्टरनेट दिया जाएगा, कोई और जगह दी जाएगी? देखिए कोशिश तो की जाएगी इंशाल्लाह, जैसी भी गवर्नमेंट फैसला करेगी उसके मुताबिक हम काम करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त डायरेक्टर SBCA अली मेहदी मौजूद थे और इदारे को जो है वो डिफेंड किया जा रहा था उनकी जानिब से, SBCA की जानिब से। लेकिन इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इमारतें बनाई गई हैं ये कैसे बनती चली जा रही हैं? खुद एडमिट कर रहे हैं डायरेक्टर साहब के जितनी इमारतें हम तोड़ते नहीं हैं उससे ज़्यादा इमारतों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, तो ये इदारे इस वक्त क्या काम कर रहे हैं? इमारतें बनती चली जा रही हैं और हाई राइज बिल्डिंग बनती चली जा रही हैं 80 गज पर 60 गज के ऊपर, जो 4-4, 5-5 मंजिला इमारतें अभी भी इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन हैं उनको क्यों नहीं तोड़ा जाता? किन लोगों की सरपरस्ती उनको हासिल होती है? ये बहुत बड़ा सवाल या निशान है और इदारे की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करता नजर आ रहा है। बहरहाल यहाँ पर एक वक्फा लूंगा, इसके बाद दीगर स्टोरीज हैं उस पर भी तबसरा करेंगे।